विकास पर्व की हकीकत स्कूल चले हम खामघाट की शर्मनाक तस्वीर। स्कूल छात्र जान जोखिम में डालकर जाते हैं स्कूल। स्कूल पहाड़ी नाला पार करते नजर आए छात्रा, नाला पार कर झोपड़ी में पढ़ाई करने को मजबूर। झोपड़ी में चल रहे स्कूल के पास से भी पानी का तेज बहाव आ रहा नजर। प्रशासन समय पर नहीं जागा तो हो सकता है बड़ा हादसा। कई बार जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को दे चुके आवेदन। झोपड़ी मालिक स्कूल भवन बनाने के लिए जमीन देने को तैयार है। पानसेमल ब्लॉक के खामघाट का मामला देखिए, ये जो आज आपने मुझे एक नए इशू बताया है कि खामघाट पानसेमल के ब्लॉक में हमारे स्कूल जो है वो झोपड़ी में संचालित हो रहे हैं, इस संबंध में मैंने DPC कार्यालय से जानकारी भी ली है और इस संबंध में मेरे स्टेट गवर्नमेंट में जो इसको देखते हैं मेरे सीनियर ऑफिसर उनसे भी मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया है। तो लगभग हमारे ऐसे 25 स्कूल पूरे बड़वानी जिले में हैं जो भवन विहीन स्कूल है, इसमें से 19 PS हैं और बाकी हमारे 6 MS स्कूल हैं। इसके लिए लगभग 2014 से ही मध्य प्रदेश शासन में जो राज्य शिक्षा केंद्र हैं उनको प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं और हर बार एनुअल प्लान में हम इसको प्रस्ताव को दे रहे हैं और शासन स्तर से भी इसमें एक पॉजिटिव भी कार्रवाई हो रही है, जैसा कि मेरे वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित तौर पे इस बार इसमें सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसके साथ साथ मैंने जो हमारे ट्राइबल डिपार्टमेंट की जो यहाँ परियोजना है उसके परियोजना के जो संचालक हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी कुछ प्रपोजल जो है ट्राइबल परियोजना में लिए हैं। ये बात अलग है कि परियोजना में लगभग हमें 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा, लेकिन शासन से इसमें बजट के लिए प्रयास चल रहे हैं और मुझे जो वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैं सोचता हूँ कि ये इसी सत्र में हमें लगता है कि समस्या का निराकरण हो जाएगा। अगर इन सब के बावजूद अगर कोई काम नहीं होगा तो हम लोग जिला पंचायत या हमारे पास और भी जो फंडिंग होगी उससे भी हम अपने प्रयास कर रहे हैं। तो उससे निश्चित तौर पे ये जो स्कूल भवन की बिल्डिंगों का जो इशू है इसका हम निराकरण कर लेंगे। सर, नाला भी पार कर रहे हैं बच्चे, तो वहाँ पहुँच मार्ग के लिए भी कोई व्यवस्था की जाएगी? ये जो आपने एक और इशू बताया है नाले का, तो वो हम आज ही अपने जनपद पंचायत के CEO को हम अवगत करा दिया है हमने और निश्चित तौर पे वहाँ का एस्टिमेट जैसे ही आ जाएगा तो अभी 15 फाइनेंस की जो राशि हमारे पास उपलब्ध है उससे जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी वहाँ होगी वो हम उसका निराकरण कर देंगे। अमृत ईशी की रिपोर्ट।